त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। वहीं दूसरी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद सरपंच पंच बनने की होड़ लगी हुई है, जिससे पूरा चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। लोग दिन रात एक करके अपनी दावेदारी ठोक कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, साथ ही जनता को लुभाने के लिए कई दावे भी किए जा रहे हैं। वहीं सहजपुर में गाँव के युवाओं व ग्रामीणों से बात की, ग्रामीणों ने बताया कि वह कैसा जनपद चुनना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं गाँव की समस्या ग्रामीणों की जुबानी। सागर से ब्रजेश रजक की रिपोर्ट। जेन है और मतलब सबसे बड़ी समस्या है तो पानी, अगर घाना बांध से तो पानी मिले तो पर्याप्त पानी हो जाए। दूसरी समस्या है पुलिस चौकी की, पुलिस चौकी पहले थी और अब पुलिस चौकी नहीं है, स्थाई पुलिस चौकी बने। देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो रात को 2-2 बजे तक जाकर पानी को भर रहे हैं, कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने जब इस क्षेत्र का भ्रमण किया तो हर घर में जा गई मैं तो बस एक ही बात पता चली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पीने के लिए पानी चाहिए। पीने का पानी सबसे पहली अनिवार्य आवश्यकताओं में से है। तो मैंने ये संकल्प लिया कि कैसे भी करके मुझे सबसे पहला काम यहाँ पर पीने के पानी को उपलब्ध कराना है। वैसे तो सिंचाई की भी यहाँ पर बड़ी समस्या है पानी की, जिसके कारण से खेती वगैरह के लिए किसान लोग परेशान हो रहे हैं।